मम्मी आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी लंच। इसके लिए हम बनाएंगे मिक्स वेज के साथ ब्लैक वीट की रोटी और दही। वेरी नाइस। चलो शुड वी स्टार्ट? यस। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मटर, एक कटोरी फूल गोभी कटा हुआ, एक दो गाजर बारीक कटी हुई, 100 ग्राम पनीर, एक बड़ी शिमला मिर्च और 100 ग्राम कटे हुए बीन्स और टमाटर की प्यूरी, दो टमाटर की प्यूरी। ठीक। उसका अदरक का पेस्ट इसी में मिलाया हुआ है टमाटरों के साथ। ठीक है। अब हमने कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, ठीक है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 4-5 हरी मिर्च जो कटी हुई है। मसाला भुनने के बाद उसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, प्यूरी को तब तक भुने जब तक ये तेल छोड़ना शुरू कर दे। तकरीबन इसको बनने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। इसके बाद इसमें डालें मटर, अब इसमें डालेंगे बीन्स, अब फूल गोभी, गाजर, अब इसको 2-4 मिनट इनको बनने दें। अब इसमें डालें शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को डालकर मिलाएं नहीं, इसको ऊपर ही रहने दें और इसे 5 मिनट ढक के पकाएं। इसको मिक्स क्यों नहीं करना मम्मा? क्योंकि इसको यदि मिक्स कर देंगे तो ये शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है भाप से ही और ये गल जाएगी, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए इसको हमेशा ऊपर से डाल के 5 मिनट ऐसे ही ढक दें। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, पनीर डालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे नमक। ठीक है, नमक स्वाद अनुसार। मम्मी आपने नमक इसमें एकदम एंड में क्यों ऐड किया है? क्योंकि नमक हमेशा हम अधिकतर सब्जियों में, ज़्यादातर सब्जियों में पहले डाल देते हैं क्योंकि सब्जी को गलाने के लिए, लेकिन इसमें हम मिक्स वेज बना रहे हैं, इसकी पौष्टिकता बनाए रखने के लिए नमक बाद में ही डालना चाहिए ताकि सब्जियों की पौष्टिकता इसमें बनी रहे और सब्जी धीमी आँच पर धीरे धीरे पके, उसका टेस्ट अलग आता है। और लंच का इंतजार करने वाले का टाइम ज़्यादा हो गया। मम्मी अब ये सब्जी हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन तैयारी है, 2 मिनट इसे चलाएं और यूँ रख दें, बस ढक के रख दें। हाँ सब्जी हमारी लगभग तैयार है, अब हम आटा गूंदने की तैयारी करेंगे। अब मैं ले रही हूँ 2 कटोरी काले गेहूँ का आटा। मम्मी काले गेहूँ और जो अपना नॉर्मल बीट होता है उसमें क्या अंतर है? इसमें बेटा ब्लैक गेहूँ और काले गेहूँ में, वैसे हमारे नॉर्मल वाले गेहूँ में ये इतना ही अंतर है कि इसमें आयरन ज़्यादा होता है जो शरीर के लिए अच्छा, जल्दी पच जाता है ये, और इसको आप किसी भी मतलब जैसे बहुत से लोग शाम के टाइम खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते कि भी रोटी भारी हो जाती है ये है, पर लेकिन ये भारी नहीं है, ये अच्छा है मतलब शाम के टाइम। ये आटा बिल्कुल वैसे ही गूंथते जैसे आम गेहूँ की रोटी करनी है, रोटी वाली आटा वैसे, बस वैसे आटा तैयार है। अब इसे भी हम सेट होने के लिए रखेंगे, 5-7 मिनट के लिए रख दो बस। अच्छा अच्छा।